सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। देखो सेल्फ एनर्जी क्या होती है, सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस बात को समझ लें, सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। पर आप कहेंगे ये सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, हमने तो पोटेंशियल एनर्जी कर ली, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी थी 1/4πε0 Q1 Q2/r, तो क्या ये सेल्फ एनर्जी थी? नहीं, वो सेल्फ एनर्जी नहीं थी। तो फिर ये सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसमें डिफरेंट कैसे है, और मैं क्यों नाम ले रहा हूं सेल्फ एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का, ये मैं आपको आंसर देता हूं। देखो सपोज आपके पास एक बॉडी है, कोई भी कंडक्टर है, लेट अस सपोज, जैसे सपोज करो ये कोई भी कंडक्टर है, आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज देने में आपको वर्क डन लगा। आप याद करो आपने पोटेंशियल एनर्जी की थी, पोटेंशियल के चैप्टर में क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो टू चार्जेस, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों चार्जेस शुरू में कहां पर पड़े होते हैं, एट इंफिनिटी। पहले आप फर्स्ट चार्ज को लाके रखते हो, वर्क डन निकालते हो, वर्क डन क्या आता है, जीरो। फिर आप सेकंड को रखते हो, फर्स्ट वाला सेकंड को क्या करता है, रिपेल, तो आप वर्क डन करते हो, जो वर्क डन करते हो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। सेम सिचुएशन है इसमें, कैसे, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सपोज अभी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, सारा चार्ज इन्फिनिटी पे है, सबसे पहले आपने यहाँ पर डी क्यू चार्ज रखा होगा, फिर डी क्यू चार्ज पहले रखने में कोई वर्क डन नहीं किया होगा, फिर आपने दूसरा चार्ज डी क्यू रखा होगा, जो पहले डी क्यू ने दूसरे डी क्यू को रिपेल किया होगा और आपने उसके अगेंस्ट वर्क डन किया, तो वर्क डन डी डब्ल्यू, फिर दो डी क्यू हो गए, तीसरा डी क्यू आया, उन दोनों डी क्यू ने तीसरे डी क्यू को रिपेल किया, फिर वर्क डन करना पड़ा, ऐसी चौथा पांचवा, तो डी डब्ल्यू, अगर मैं सारे वर्क डन को मिला दूं तो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी इसके आसपास वही इसकी सेल्फ एनर्जी है। तो 2 पॉइंट चार्जेस की, 3 पॉइंट चार्जेस की, 4 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को नाम देते हैं सेल्फ एनर्जी, ठीक है यहां तक। तो सेल्फ एनर्जी के अंदर वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी इन अ गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन इज सेल्फ एनर्जी, भाई एक बॉडी को चार्ज करना है, जितना आपने वर्क डन किया वो सेल्फ एनर्जी है। जब बॉडी चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन इट्स सराउंडिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इसके आसपास, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हुआ उसमें आप एक काम करें, पॉइंट चार्ज रख दें, वो पॉइंट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा, इसका मतलब वहां पर फोर्स या एनर्जी प्रेजेंट है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां इलेक्ट्रिक फोर्स है और वहां वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, तो वो जो एनर्जी स्टोर होगी उस स्पेस में उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, ठीक है यहां तक। तो सेल्फ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, तो टोटल सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन द सराउंडिंग ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सेल्फ एनर्जी। तो ये इंट्रोडक्शन है सेल्फ एनर्जी की।